हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने मैथ्स की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट की हुई है। इसमें आपके दो लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बिल्कुल बेसिक्स से सिंप्लीफिकेशन को उठाया था और बिल्कुल बेसिक बेसिक समझाया था उस वीडियो में ओनली। ठीक है, तो आपको अगर स्टार्टिंग से मैथ्स पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। उसके बाद कल का सेकेंड लेक्चर, जिसमें आपको छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन मैंने कल करवाए थे। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप होगा बाकी दो वीडियो से। ठीक है, क्योंकि हम धीरे धीरे लेवल अप करेंगे आपका और SSC तक का लेवल पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये लेक्चर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको स्क्रीन पर, यह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 1 + 1/2 दिया हुआ है, तो इसका LCM ले लेंगे अपन। ठीक, तो ये LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 + 1/2 का LCM लोगे तो LCM 2 आएगा आपका, और ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा +1, यानी कि 3/2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, इसका LCM लोगे तो आपका हो जाएगा 3/2, और डिवाइड में दिया हुआ आपको 1 - 1/2, इसका भी हमें LCM लेना है, तो ये हो जाएगा 2 - 1, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1 में से जब आधा आप घटाएंगे तो आधा ही बचता है आपका, तो ये 1/2 हो गया। डिवाइड दिया हुआ है आपको 4/7 दिया हुआ है, ऐसा कैसा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे LCM ले लेंगे इनका भी। LCM इसका 10 आएगा, इसका LCM 10 आएगा, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, और 2 × 2 में हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, उसके बाद 10 का मल्टी डिवाइड करेंगे 10 में तो आपका 1 मिलेगा, 1 × 3 में करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक, ऑफ को हम लिखते हैं इनटू, और यहाँ भी आपका वही, यहाँ पे भी आपको LCM लेना है, तो इसका LCM आ जाएगा आपका 6 और ऊपर आ जाएगा 5। डिवाइड दिया हुआ है आपको, यहाँ भी LCM लेना, तो ये हो जाएगा आपका अपॉन में 6 हो जाएगा LCM इसका, और ये 3 - 2 यानी कि आपका हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ 3/2, उसके अपॉन में दिया हुआ 1/2, यानी कि डिवाइड के डिवाइड में दिया हुआ है आपको, तो जब अपॉन के अपॉन में दिया होता है तो उसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले आते हैं, यानी कि इन्वर्स हो जाता है उसका जब ऊपर लेके आते हैं हम, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे उलट गुणित करना, यानी कि जैसे कि आपका दिया हुआ यहाँ पे 3/2, ये 1/2 जो है ये अपॉन के अपॉन में है, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 दिया हुआ है, तो ये ऊपर आके आपका 2/1 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये उलट गुणित बोलते हैं इसे इन्वर्स करना। और उसके बाद आपका 4/7 दिया हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3 = 7/10, इंटू में हो जाएगा आपका 5/6, यहाँ भी वही होगा, उलट गुणित होगा आपका, इन्वर्स हो जाएगा, तो 1/6 है, तो ऊपर जाके 6/1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ बचेगा आपका 3/1, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई दिया आपको 4/10, ये हो जाएगा आपका 2/5, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में। ठीक है, और यहाँ भी आपको, चलो ठीक है, आगे के स्टेप में कर लेंगे, यहाँ पे आपका 5 बचेगा, 5/1। ठीक, यानी कि 5 बचेगा आपका, अब यहाँ बचा आपका 3 / 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा सिंपली 3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, आपको दिया गया था ये वाला, हमने क्या किया, स्टार्टिंग में LCM लिया, नीचे का भी LCM ले लिया। ठीक, बाकी स्टेप वही है, यहाँ का भी LCM ले लिया हमने इस बॉक्स का, उसके बाद यहाँ का भी LCM ले लिया ये वाला, और यहाँ का LCM ले लिया ये वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये अपॉन के अपॉन में वैल्यू दी हुई है आपको, तो जब हम क्या करते हैं, अपॉन के अपॉन में जब वैल्यू दी होती है हमें, तो उसे हम इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स करेंगे तो जब आपका 1/2 दिया हुआ है अपॉन में, तो इन्वर्स करते हैं तो आपका 2/1 हो जाता है ऊपर जाके। ठीक है, और बाकी ये 4/7 वैसा का वैसा, 4 × 3 = 7/10 हो जाएगा, इंटू में दिया हुआ आपको 5/6 / 1/6, यहाँ भी वही वाली वैल्यू दी हुई है, यानी कि अपॉन के अपॉन में दिया हुआ है आपको, तो यहाँ भी क्या करेंगे, जो 1/6 से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 6/1 हो जाएगा आपका, इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, और 2 के टेबल में 2 बार चला जाएगा ये 4, और ये 5 बार में चला जाएगा 10। ठीक, यहाँ बचेगा आपका 3/1, यानी कि 3 डिवाइड दिया हुआ है, यहाँ पर बचेगा 2/5, और यहाँ पर बचेगा इंटू में 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 3/2, 3 / 2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे सोल्व करना है। ठीक है, तो करते हैं इसे स्टार्ट। आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये 2 स्टेप में तो हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी जो तीसरी स्टेप जहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हम 2/10 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है,
तो यही करेंगे हम, 1 + 1/10 ऐसा रहेगा, यहाँ से आपका 2/10² कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचने वाला है, यहाँ से पूरा 2/10² कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे 2/10² आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 की जगह आपका 1 आ जाएगा, और 10² कॉमन लिया तो क्यूब में से स्क्वायर को कम करेंगे तो आपका 1 बच जाएगा, 10^1 बच जाएगी आपकी। ठीक है, हमने 2 पावर कॉमन ले ली तो आपकी 1 पावर बच जाएगी। यहाँ पे यहाँ क्या होगा, ये 2 तो ले लिया हम तो यहाँ बचेगा 1, 1/10^2 कॉमन ले ली तो 2 और बच जाएगी 4 में, इसी तरह से आगे चलता रहेगा। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से 2/10² कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा आपका 1, यहाँ पे आपका 2/10² हम जब कम करेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 1/10, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 थी, हमने 2 पावर कॉमन ले ली है तो 1 पावर बचेगी इसकी। इसी तरह से यहाँ पे आपकी 4 पावर थी, 2 पावर कॉमन हो गए थे, 2 बचेगी यहाँ पे। ठीक, इस तरह से आपकी प्रोसेस चलती रहेगी आगे भी। तो आगे करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 10 + 1 11/10 हो जाएगा एलसीएम में। ठीक है, ये 2/10² वैसा का वैसा। अब यहाँ पे आपको 1 दिया हुआ है, 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1, 1/10² यानी कि 1/4 होता है। ऐसा करते हैं, एक स्टेप में बदलते हैं, 1/10 हो जाएगा, ये 1/100, आगे की स्टेप में आपका 1/1000, फिर 1/10000, ऐसा आपका चलता रहेगा आगे भी। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 11/12 वैसा का वैसा, 2/10 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1/10 लिख सकते हैं हम 0.1, 1/100 को लिखेंगे 0.01, फिर आगे चलेगा 0.001, फिर 0.0001, इस तरह से आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो आगे की स्टेप करते हैं, ये 11/10 + 2/10² ये इंटू में है आपका, यहाँ से हम इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबको जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको जो जो भी दिया हुआ वो लिख के जोड़ते हैं। 1 दिया हुआ है 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, इन सबको जोड़ते तो आपका आएगा 1111.1, इस तरह से आपका 111 चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि ये 1 आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे अनंत तक दिया हुआ है, इन्फिनिट तक दिया हुआ है, आपको बताया नहीं है कि कब तक हाथ तक जाना है, तो आपका इन्फिनिटी तक रहेगा। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1.1111, ऐसे आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो आगे की स्टेप सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 11/10 दिया हुआ है आपको। अब क्या करेंगे हम, जो आपका 111 है इसको हम 2 से इंटू कर देते हैं, 2 से इंटू करेंगे तो आपका 2.2222 ऐसे चलता रहेगा, ये अपॉन में आपका 10² यानी कि 100 हो जाएगा, 10² का 100 लिख सकते हैं अपन। ठीक, अब आगे की स्टेप करते हैं, आगे की स्टेप में क्या होगा आपका, ये जो 11/10 है, जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका 1.1 मिलेगा, क्योंकि 10 में आपकी 10 है तो एक वैल्यू के बाद आपकी पॉइंट लग जाएगी, 1.1 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ आप अगर 100 से इसे डिवाइड करोगे तो आपका जो पॉइंट है वो 2 और आगे खिसक जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको 1 दिया हुआ है वैल्यू, और आपकी 10 लग जाएगी और फिर आप उसके आगे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.02222 ये चलता रहेगा आपका। ठीक है, 100 था तो इसकी वजह से आपकी पॉइंट 2 वैल्यू और आगे खिसक जाएगी, तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू 2 दी हुई थी और एक और वैल्यू 0 लगा के आगे खिसका दी इसको, यहाँ मतलब डिवाइड का काम ख़त्म हो गया। अब इन दोनों को जोड़ना है अपने को, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1.12222 और ये चलता रहेगा। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1.2 पे 12। ठीक है, इस तरह से भी इसे लिख सकते हो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो आपका 1.1 उसके बाद 2222 ये चलता रहेगा अनंत तक। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जब ये श्रेणी चलती रहती है, ये सीरीज चलती रहती है आपकी 222 वाली, तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, बार का मतलब होता है कि ये आगे तक चलती रहेगी। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा 1.12 पे 12। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपको दिया गया था क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू, हमने क्या किया, यहाँ से आपका 2/10² कॉमन लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 वैल्यू को हमने वैसा का वैसा ही रखा, और यहाँ पे 2/10² को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपका बचा 1, यहाँ बचेगा 1/10^1, यहाँ पे 1/10^2, क्योंकि यहाँ पावर 3 थी तो 2 कॉमन ले ली तो 1 बचेगी, यहाँ पे पावर 4 थी 2 कॉमन ले ली तो आपकी 2 बचेगी, बाकी ये चलती रहेगी ऐसे ही। ठीक, अगले स्टेप पे हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया फर्स्ट और सेकंड वाली वैल्यू का, तो 11/10 आ गया आपका, 2/10² बाहर है आपका, यहाँ पे हमने
स्क्वायर और क्यूब को खोल दिया, मतलब ये 1 + 1/10 स्क्वायर था तो इसको 100 लिख दिया, यहाँ आगे क्यूब आएगा फिर पावर 4 आएगी, तो सबको हमने इस तरह से चलता रहेगा आपका लिख दिया खोल के। ठीक, अब 11/10 वैसा का वैसा, यहाँ पे 2/10 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, जब 10 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, 100 से करेंगे तो 0.01, 1000 से करेंगे तो 0.001, फिर 10,000 से करेंगे 0.0001, यानी कि जितनी जीरो है उतने वैल्यू के बाद आपका पॉइंट लगेगा, यानी कि यहाँ पे 4 0 तो आपको 4 के बाद पॉइंट लगा दिया, यहाँ 3 थी 3 के बाद पॉइंट, यहाँ 2 के बाद, यहाँ 1 के बाद, इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी आगे। उसके बाद क्या किया हमने, इन सबको जोड़ दिया, तो इन सबको जोड़ेंगे हम, तो आप एक जगह लिख लेना इसको, जोड़ोगे आप तो आपको ये मिलेगा 1.1111। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये 2 का इंटू इसमें कर दिया, तो आपका 2.2222 हो जाएगा, ये भी चलता रहेगा, और 10 का स्क्वायर था इसको हमने 100 लिख दिया। अगले स्टेप में क्या किया हमने, 10 को 11 से डिवाइड कर दिया तो 1.1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमने 100 को भी डिवाइड कर दिया इससे, तो इससे क्या होगा, आपका जो पॉइंट है वो दो वैल्यू आगे खिसक जाएगा, यहाँ पे एक वैल्यू आपको दी हुई थी 2, दूसरी वैल्यू हमने 0 लगा दी और उसके बाद आगे पॉइंट लगा दिया, यानी कि दो वैल्यू आगे खिसका दी हमने, ये 0 और 2 को, इसको आगे खिसका के पॉइंट को आगे खिसका दिया इनसे। ठीक है, तो आपका 0.0222 ये हो जाएगा। अब क्या किया, 1.1 को इसमें ऐड किया तो आपका आएगा 1.1, फिर 2222 ऐसे चलता रहेगा आपका, तो आपका ये वाला आंसर भी हो सकता है, या फिर आपको आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो कि आपका 222 चल रहा है लगातार, तो आप 2 के ऊपर बार लगा दो तो आपका ये वाला आंसर भी हो जाएगा। बार लगाने से क्या होगा कि आप जब बार हटाओगे तो वापस से आपका 2222 आता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये वाला। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, हम यहाँ से पॉइंट को गायब करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि हमें पॉइंट को हटाना है कैसे भी करके। तो यहाँ पे आपको पॉइंट 8 दिया हुआ है, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो आपका 8/10 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको दो वैल्यू के बाद दिया हुआ है, तो 17/ आपका अपॉन में 100 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर डिवाइड में दिया हुआ है आपको, यहाँ पे भी 8/100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट आपका दो वैल्यू के बाद लगा हुआ है। यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 17/1000 और इसका स्क्वायर। ठीक, आगे के स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ से आपको 10 को नीचे वाले जो दिए हुए हैं आपको इनको बाहर लेना है। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं 8 का स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, यहाँ से हम बाहर लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं पहले। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा आपका, और ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपको करोगे तो 1 2 3 4, यानी कि ये 10,000 हो जाएगा। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा 8/100 का 10,000 हो जाएगा, यानी कि 4 0 लग जाएगी, डबल हो जाएगी वो 0, और ये 17 का स्क्वायर रहेगा इनका। ठीक है, 17 का स्क्वायर अपन ये 6 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये 0 लग जाएगी आपकी। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपका क्या आ रहा है, 100 कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, ऊपर से यहाँ पे आपका 100 दिया हुआ, यहाँ से भी हम 100 निकाल लेंगे तो 100 कॉमन आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे 1/100 आपका कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका 8 का स्क्वायर - 17 का स्क्वायर / 100, ये बच जाएगा। ठीक है, अपॉन में फिर से वही करेंगे हम, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है आपका 10,000 कॉमन आ रहा है, तो 1/1234, ये 10,000 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा आपका 8 का स्क्वायर - 17 का स्क्वायर / 4 0 कॉमन ले ली, तो आपकी बचेगी यहाँ से 2 0, यानी कि 100 बचेगा ये भी। ठीक है, अब आप देखोगे 8 स्क्वायर - 17 का स्क्वायर / 100, और ये नीचे भी बाकी वो की वही वैल्यू दी हुई है, तो आपकी ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब कितना बचा आपका 1/100, और इसके अपॉन में दिया हुआ है आपको 1/40। ठीक है, तो जब इसको उलट गुणित करेंगे हम, इन्वर्स करेंगे इसका, तो आपका हो जाएगा 1/100 और ये आपका 10,000/1 हो जाएगा। ठीक, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, 100 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने क्या किया, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिल जाए सबसे पहले क्या करना है, आपको पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या किया, 8/ पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 100 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1000। अब पॉइंट हटा दिया तो हमने स्क्वायर भी अलग अलग कर लिया, 8 का स्क्वायर अलग, 10 का स्क्वायर अलग, तो 8 का स्क्वायर ऐसा का ऐसा और 10 का स्क्वायर 100 लिख दिया, 17 का स्क्वायर वही, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर वह का वही और 100 का स्क्वायर आपका 10,000 हो जाएगा, यानी कि 17 का स्क्वायर वही और 1000 का स्क्वायर आपका ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमने जो जो कॉमन आ रहा था वो ले लिया, यानी कि यहाँ पे आपका 100 कॉमन आ रहा था दोनों जगह से, हमने 1/100 कॉमन ले लिया। नीचे से आपका 10,000 कॉमन आ रहा था तो हमने 10,000 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू बची है दोनों साइड, वो वैल्यू एक जैसी बची हुई है, तो ये आपकी आपस में कैंसिल हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में आपको दी हुई है वैल्यू, ठीक। तो ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आपका स्क्वायर बाहर नहीं है अंदर ही है ये, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद आपका 1/100 / 1/10,000 आपका बच जाएगा, ठीक। तो ये जो 1/100 है, ये 1/10,000 आपका ऊपर जाएगा तो 10,000/1 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, आपका बचेगा 100, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आपको जो दिया हुआ है वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली वैल्यू अपॉन में है इधर, इधर जाके आपकी इनटू में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या होगा आपका, 17.28 माइनस डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 200 इंटू 3.6 इंटू 0.2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में आपका ये पॉइंट हटाएंगे हम, ये पॉइंट हटाएंगे तो आपका 2 0 लग जाएगी, क्योंकि आपका एक पॉइंट यहाँ से हटाए और एक पॉइंट यहाँ से हटाए और उनके बाद एक एक वैल्यू है, तो दोनों की एक एक 0 लग जाएगी आपकी, यानी कि 10 × 10 100 हो जाएगा। 100 हो गया तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ बचा आपका 2728/x, इस तरह से लिख लिया हमने। यहाँ बचा आपका 2 × 36 × 2, ये आपका यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। इसको हम कट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से ऐसा करते हैं, इसे ये 12 का क्यूब है आपका, ऐसा करते हैं 36, 12 से डिवाइड करते हैं, 12 + 36 और 12 से जाएगा, 12 × 1 = 12, 5 × 5 = 52, 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48, यानी कि 1.44 आ जाएगा, ठीक। 3 से फिर से कट करते हैं तो 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24, यानी कि 0.48 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 2 × 4 बचा यहाँ पे, तो 4 से इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.12, यानी कि 0.12/x बराबर 1 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 0.12, ठीक है। तो काटापिटी करनी है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो। आपको ये दिया हुआ था 17.28 / x और इसके डिवाइड में दिया आपको 3.6 × 0.2। तो हमने क्या किया, ये डिवाइड में दिया हुआ था ये वाली वैल्यू आपकी, इसे उठा के इधर इंटू में ले आए, तो 17.28 / x इक्वल टू हो जाएगा 200 × 3.6 × 0.2। दोनों के पॉइंट हमने हटाए, 3.6 के पॉइंट हटाएंगे तो आपका 10 आएगा और 0.2 के पॉइंट हटाएंगे तो आपका 10 आएगा, 10 × 10 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 × 36 × 2 आपका यहाँ पे बच जाएगा। अब यहाँ पे 1728 / x हमने इस तरह से लिख लिया और यहाँ से इसको काटापिटी की तो आपका एक्स का वैल्यू आएगा 0.12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है, इसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका आंसर सिंप्लीफाई करके निकालना है क्या आता है। तो यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, यानी कि आपको मिश्र भिन्न दी हुई है, मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले तो सिंपल भिन्न में बदलेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे इसे। तो ये 11 मैंने बताया था आपको पहले कि यहाँ पे इस टाइप से दिया हुआ है आपको, तो हम क्या करेंगे, 4 × 11 में करेंगे, जो वाली वैल्यू आएगी उसको 1 से प्लस करेंगे, ठीक। तो 11 × 4 = 44 + 1 = 45 और डिवाइडेड बाई 4, ऐसा करके ऐसा डिवाइडेड दिया हुआ है आपको, 3 × 5 = 15 और 3 18 / 5 × 6 × 3 = 18 और 2 20 / 3 + 1/6, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपका डिवाइड सॉल्व होगा, यहाँ पे आपको इनटू भी दिया हुआ है और डिवाइड भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के रूल से आप क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड को सॉल्व करना है तो आपको 45/4, इसके पहले मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ऐसे इस तरह से आपको यहाँ पर डिवाइड दे दिया जाए तो आपको इनटू में कन्वर्ट कर लेना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती है आपको। तो इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 18/5 दिया हुआ है तो ये उल्टा हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा ये, ठीक है। और इनटू में आपको 20/3 दिया हुआ है + 1/6 दिया हुआ है, ठीक। अब इसे कैंसिल करेंगे हम तो ये 4 से जाएगा 5 बार में, 3 से जाएगा 15 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में, तो आपका बचेगा 5 × 5 × 5 / 6, यानी कि 125 / 6 आपका बचा और ये 1/6 आपका बच गया, ठीक। 6 आपका एलसीएम आ जाएगा, 125 + 1 = 126 हो जाएगा और 6 से इसको कट करेंगे तो 2 और 1 यानी कि 21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको दिया गया था मिक्सचर भिन्न में, मिक्सचर फ्रैक्शन में दिया हुआ था, मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में निकाल लिया। और इसको सिंपल फ्रैक्शन में करने के बाद में जो डिवाइड और इंटू दिया हुआ था, सबसे पहले हम इंटू सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से। तो डिवाइड को हमने इंटू में चेंज किया, इंटू में चेंज करने के लिए क्या किया था हमने पहले वाले वीडियो में, जो 18/5 था उसको 5/18 कर देंगे, इन्वर्स हो जाएगा ये, जब इंटू में चेंज करेंगे तो आपका इन्वर्स हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम काटापिटी करेंगे उसके बाद में सभी वैल्यू को, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो 21 आ जाएगी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, ये वाला आप क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। इसमें भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हम, तो 3 1 3 + 2 5/3 हो जाएगा, इंटू में 4 3 12 और 3 15/4 हो जाएगा, डिवाइडेड दिया हुआ है आपको, डिवाइड दिया हुआ है, और ये 4 1 4 + 1 5/4 हो जाएगा ये वाला भी, प्लस आपको दिया हुआ है 99। अच्छा ये वाला थोड़ा बड़ा है तो इसका इंटू करना पड़ेगा हमें, 49 का इंटू 99 में करेंगे तो, और उसके बाद 48 को हम प्लस करेंगे तो आपका आएगा 99 × 49, तो ये मिलेगा आपको 4899। 4899 डिवाइडेड बाई 49 रहेगा और ये 245 वैसा का वैसा, ठीक है। तो ये मिल जाएगी आपको 4899 इसकी वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे, वही आपका यहाँ पे भी डिवाइड दिया हुआ, तो इसे इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 5/3 × 15/4, डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 4/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये, और ये 49 से ये प्लस दिया हुआ है यहाँ पे, ये 49 से इसको कट करेंगे तो 5 टाइम्स में आपका पूरा पूरा चला जाएगा, 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक। तो 5 का × 4899 में हमें करना है, ठीक, 4899 × 5, और यहाँ पे भी आपको काटा पीटी करना था, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 5 बार में चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आपको बचा 5 + 4899 × 5, तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो 4899 + 1 आपका बच जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 4899, तो 5 × ये आपका हो जाएगा 4900, 49 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 49 को जब 5 से डिवाइड × करेंगे तो 5 9 = 45 हो जाएगा, 5 4 = 20 24, यानी कि 24,500 इसका आंसर हो जाएगा, 24,500, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने जो फ्रैक्शन दी हुई थी उसको सिंपल में लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ था उसको इंटू में कन्वर्ट कर लिया, 5/4 था, 4/5 हो जाएगा, इसको भी हमने सिंपल किया तो 49 का × 99 होगा, उसके बाद 48 को हमने ऐड किया तो आपका 4899 मिलेगा, अब हमें 49 × 245 आपको दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे आपका इंटू में कन्वर्ट किया हमने, 4/5 हो गया, और यहाँ पे क्या किया, 49 से इसको कट किया तो 5 टाइम्स में पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 4899 × 5, इसको ऐसा का वैसा ही रहना चाहिए क्योंकि आगे आप लोग को काम आ जाएगा ये, ठीक है। इसको इंटू करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, एक तरह से आपका लॉन्ग पड़ जाएगा, टाइम वेस्ट होगा फालतू। तो पहले इसको सॉल्व किया हमने, यहाँ पे बचा आपका 5, तो 5 आपका दोनों जगह से कॉमन आ गया, तो ये आपका 4899 + 1 यानी कि 4900 हो जाएगा, इसका इंटू करेंगे तो सिंपल हो जाएगा आपका 2 4500, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, यहाँ भी आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में आपका तिरजक गुणा कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, ठीक। तो करते हैं इसे सॉल्व, 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 12 सही 1/2 इक्वल टू x का × x पे करेंगे तो आपका मिल जाएगा x². अब इसको हमें को हमें सिंपल करना है, तो ये 12 × 2 = 24 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, यानी कि 25 का² हो गया आपका, यहाँ आपको x² दिया हो, तो आपका जब स्क्वायर उधर जाएगा आपका तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि 25 के² का आपका अंडर रूट लग जाएगा, इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो एक्स की वैल्यू आपकी 25 आ जाएगी, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक, पता है ना आपको स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपका एक्स की वैल्यू 25 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर रहेगा 25, यानी कि एक्स की वैल्यू 25 आपको दिया गया था क्वेश्चन में, ये वाली वैल्यू हमने तिरक मल्टीप्लाई किया इसका, इसका इधर, ठीक है। 50 का × 12 सही 1/2 में हो जाएगा, और ये आपका x का × x में होगा तो आपका x² बन जाएगा, ठीक है। इसको हमने फ्रैक्शन को सॉल्व किया सिंपली, तो आपका 25/2 आ जाएगा, 2 से 25 50 को कैंसिल किया तो 25 आ जाएगा, 25 × 25 25 का² हो जाएगा, यहाँ भी आपको x² दिया हुआ है, स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका अंडर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, और x की वैल्यू 25 आ जाएगी, ठीक है।
कभी भी डायरेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल नहीं होता है, वो तो हम बोलने के लैंग्वेज में स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, बाकी ऐसा कभी होता नहीं है। ये स्क्वायर आपका उधर जाएगा, करने लगेगी, उसके बाद आपका रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, आपको दिया हुआ 6.25 की पावर 1/2, 0.0144 की पावर 1/2 प्लस 1 और डिवाइड में ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसे सॉल्व करना है हमें। तो आपको पता है 625 आपका 25 का स्क्वायर होता है, 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है, 27 आपका 3 का क्यूब होता है, और जो 81 है आपका 3 की पावर 4 होता है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। ये जो 625 है ये 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर यानी कि 2.5 का स्क्वायर करोगे तभी आपको 6.25 मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा ये 6.25? आपको यहाँ पे देखो, दो के बाद आपकी पॉइंट लगी हुई है, तो आप यहाँ पे 2.5 × 2.5 करोगे तो आपको 625 आ जाएगा। पॉइंट कब लगेगी? यहाँ पे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दो पॉइंट के बाद आपकी पॉइंट लगेगी, तो आपका 6.25 हो जाएगा। ठीक, तो आपका 2.5 रहेगा। जल्दबाजी में आप ये मत करना 0.25 का स्क्वायर, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रहेगा ये 2.5 का स्क्वायर रहेगा। उसके बाद अगला दिया हुआ आपको 0.0144, यानी कि इसमें आपको चार वैल्यू के बाद पॉइंट लगाई हुई है, तो ये आपका 0.12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके पहले आप यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसकी पावर 1/2, और अगला दिया हुआ आपको ये 0.12 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी भी पावर दी हुई है आपको 1/2। ये 0.12 का कैसे हुआ? क्योंकि 0.12 × 0.12 करोगे तो आपको मिलेगा 144, पर पॉइंट आपका चार के बाद है, तो आपको चार के पॉइंट लगाना, तो जीरो आ जाएगा आगे और ये पॉइंट लग जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगला आपको अपोर में दिया हुआ है 0.027, तो ये आपका 0.3 का क्यूब रहेगा, और इसकी पावर रहेगी 1/3, क्योंकि 0.3 × 0.3 × 0.3 आपको करना है, तो ये आपका 27 मिलेगा, पर तीन के बाद है आपकी पॉइंट, तो आपका ये आएगा। ठीक है, और इसी तरह से आपका 81, तो 3 की पावर 4 होता है, और आगे दिया हुआ 3 की पावर 1/4। अब क्या होगा, इस 2 का इंटू 1/2 में करेंगे तो आपका 2/2 हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी आपका 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ इसी तरह से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 2.5 इंटू रहेगा बीच में, क्योंकि इंटू दिया हुआ है, 1/2 प्लस 1 भी दिया हुआ था यहाँ पर। ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई दिया हुआ है आपको 3 × 3 9 हो जाएगा ये। ठीक, अब 2.5 का इंटू 12 में करें, 12 में होगा हमारा, तो ये मिलेगा आपको 300, यानी कि 12 × 5 = 60 की 0 = 6, 12 × 2 = 24 = 6 = 30 आपका 300 मिलेगा, और पॉइंट आपकी मिल रही है 2 और 1 3 पॉइंट के बाद, तो 0.300 हो जाएगा, प्लस 1 आपको दिया हुआ है, अपन में 9 दिया हुआ है, ये 9 आपका 0.9 रहेगा, क्योंकि 0.3 × 3 का इंटू होगा तो आपको ये 0.3 है, यहाँ पर 0.3 × 3 का इंटू होगा तो आपको 0.9 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट 1 के बाद है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 1.300 / 0.9। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आपका अपॉन में 1000 आ जाएगा, और 0.9 की जब हम पॉइंट हटाएंगे तो आपका ऊपर 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, यानी कि आपका बचेगा 13/9 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से सोल्व होगा। इसको अगर आगे आप सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 9 × 1 = 9 बचा 4 40 हो जाएगा, 9 × 4 = 36 फिर वो 4 बचेगा, चलता रहेगा ये 4। ठीक है, तो 1.4 पे 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ही था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको दिया गया था ये वाली वैल्यू 6.25 आपका 2.5 का स्क्वायर होता है, और 0.0144 आपको 0.12 का होल स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर से आपका 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 वैसा का वैसा, यहाँ भी आपका 27 जो है 3 का क्यूब होता है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 4 होता है 31, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2.5 बचा, यहाँ पे इंटू में बचा 0.12, और यहाँ प्लस 1 बचा, अपॉन में बचेगा आपका 0.3 × 3। ठीक है, 0.3 × 3 बचेगा आपका, इन दोनों का इंटू करना तो आपका 0.300 आ जाएगा, प्लस 1 बचा है, और यहाँ पे 0.9 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 1.300 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.9। ठीक, अब पॉइंट हटाएंगे तीनों के, तो ये आपका नीचे 1000 देगा और ये आपका 10 देगा ऊपर, तो 0 से 0 कैंसिल, टोटल 3 0 ऊपर 3 0 नीचे कैंसिल हो जाएगी, 13/9 बच जाएगा आपका। इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप 1.4 पे 12 आ जाएगा।
ठीक है, यानी कि 1.444 आपका चलता रहेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा गाइस। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 48 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, ये क्या होगा। यहाँ पे आपको का दिया हुआ है, का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, का मतलब होता है आपका ऑफ। तो ये ऑफ पहले सॉल्व होगा, यानी कि पहले आपके ये वाली वैल्यू सॉल्व होगी और ये वाली वैल्यू सॉल्व होगी, उसके बाद आपको ये वाला डिवाइड सॉल्व होगा, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। आपका 9/8 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 9/8 इंटू में दिया हुआ आपको 4/3 और डिवाइडेड बाई दिया हुआ है आपको 3/4, ऑफ हटेगा तो इंटू आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका 4 से 2 टाइम्स में चला जाएगा, 3 से आपका 3 टाइम्स में चला जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से आपका 2 टाइम्स में कैंसिल, ठीक है। 48 डिवाइडेड बाई 12 इंटू यहाँ बचेगा आपका 3/2 और यहाँ बचेगा आपका 1/2, ठीक है। ये 48 डिवाइडेड बाई 12 हो गया, इंटू दिया हुआ है आपको 3/2, इसे इंटू करेंगे तो हम ये 2/1 हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2/1 हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ बचेगा 48 डिवाइडेड बाई 12 इंटू आपका बचेगा 3, ठीक। इस तरह से आपका लिखा जाएगा, 12 से ये कर जाएगा 4 टाइम्स में, 4 × 3 या 12 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लो। आपको यहाँ पे ऑफ दिया हुआ था दोनों जगह, तो दोनों जगह जो ऑफ दिया हुआ वो पहले सॉल्व होगा, यानी कि 9/8 इंटू 4/3 करेंगे तो आपका 4 से 8 2 टाइम्स में चला जाएगा, 3 से 9 3 टाइम्स में चला जाएगा। डिवाइड दिया हुआ है आपको 3/4, ऑफ की जगह कहाँ आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स में चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, इस 1/2 को डिवाइड से इंटू में लाना है तो आपका 2/1 हो जाएगा, ठीक है। बताया था मैंने आपको पहले भी, डिवाइड को इंटू में जब बदलते हैं तो आपका 2/1 मतलब उल्टा हो जाता है, 1/2 दिया हो तो 2/1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3। और ये 48 डिवाइडेड बाई 12 इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, इंटू में आपको दिया हुआ है 3, 12 × 48 4 × 12 आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है आपको यहाँ पे, इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। पहले 11 × 33 और 2 = 35, 35 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 9 × 8 = 72 और 3 = 75 डिवाइडेड बाई 8 इंटू में दिया को 5 × 5 = 25 और 3 = 28 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो 35 डिवाइडेड को जब इंटू में चेंज करेंगे तो आपका 8/75 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, बताया था ना, इनवर्स हो जाता है आपका, 75/8 दिया हुआ है तो ये 8/75 हो जाएगा और इंटू में आपका 28 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो करते ही इसे सॉल्व, आपको यहाँ पे 7 से नहीं कटेगा ये, यहाँ आपका ये 5 से कट जाएगा 7 टाइम्स में, इसके अलावा तो और कोई भी चीज़ नहीं कट रही है आपकी, तो डायरेक्ट इसे इंटू करेंगे हम। यहाँ बचेगा आपका 7 × 8 × 28 और अपन में बचेगा आपका 75 × 3, तो इसका जब इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा, 8 से इंटू करते पहले तो 8 × 8 = 64 × 4 = 6 × 8 = 16 × 6 = 22 और 7 से इंटू करेंगे तो ये मिलेगा आपका 7 × 28 = 8 = 2 7 × 14 = 2 16 × 6 = 1 7 × 14 = 1 = 15, ये मिलेगा आपको 1568 और डिवाइड में मिलेगा आपको 75 × 7 = 21 यानी कि 22225 मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.96, ये आपका आंसर रहेगा इसका, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लेना इसे, थोड़ा टफ सा पड़ गया है क्योंकि एग्जाम में टाइम खाने वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा जो वैल्यू थी वो टफ थी और कट भी नहीं दी थी, तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे आपको तो इंटू करना पड़ेगा, तो इंटू आप करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा 6.96, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, आपको दिया हुआ था मिक्स फ्रैक्शन, इसे हमने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया, 11 × 33 और 2 = 35/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 8 = 72 + 3 = 75 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 × 3 यानी कि 28 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, ठीक। अब इस डिवाइड को हमने इंटू में कन्वर्ट किया है, तो ये 75/8 दिया हुआ तो 8/75 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 28/5 वैसा का वैसा, 5 से आपका 35 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 × 8 × 28 हो जाएगा,
इसका इंटू करेंगे तो आपको 1568 मिलेगा, नीचे बचेगा आपका 75 × 3 यानी कि ये आपका 225 बचेगा। ठीक है, उसके बाद इसको हमें डिवाइड करना है, तो ये आपका देख सकते हो जो 22 है यानी कि 2 है, ये 2 का इंटू 6 में करोगे तो 12 मिलेगा, और 25 का भी इंटू करोगे तो आपको मतलब लगभग ये 1400 के आसपास पड़ेगा आपको, तो 6 पॉइंट कुछ तो आएगा, तो 6.96 इसका आंसर रहेगा, आप करके देख लेना इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको माइनस 4 में से 6 जाएगा तो आपको माइनस का 2 बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी कि बार में अगर आपको कोई भी वैल्यू दे देती है, जैसे कि मान लो ए दिया हुआ है तो ये प्लस का ए हो जाएगा, चाहे ये ए आपका माइनस में दिया हो तो भी जब बार से बाहर आता है ये तो आपका वैल्यू प्लस हो जाती है, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, आपका 6 माइनस में दिया हुआ है बार के अंदर, तो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो आपका जब ये चिन्ह हटेगा तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखते हैं, नीचे आपका दिया हुआ है 18 माइनस, ये 9/3 दिया हुआ है, तो ये 9/3 कर लेंगे तो आपको मिलेगा 3 और माइनस का ही रहेगा ये, उसके बाद इंटू में 5 दिया हुआ है आपको। ठीक है, यहाँ पे 6 × 6 = 12 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका माइनस होगा इसका प्लस का 4 हो जाएगा, पर प्लस का 4 और माइनस का माइनस दिया हुआ है आपको तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो स्क्वायर करेंगे तो, पर एक माइनस आपका ऑलरेडी बाहर दिया हुआ है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा उसकी वजह से। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 5 × 3 में होगा तो 15 आ जाएगा आपका, तो 18 − 15 हो जाएगा ये। अब 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 8 बचेगा प्लस का, यहाँ पे 18 में से 15 गया तो आपको बचेगा 3, यानी कि 8/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन का आपका आंसर 8/3 रहेगा, कुछ नहीं दिया हुआ था आपको 4 − 6, तो इसको जब सॉल्व किया तो -2 आ जाएगा, −2 का पावर 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और ये −6 बाहर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, जब भी ऐसे वाले फॉर्म में होता है तो ये हमेशा प्लस में ही बाहर आती है चीज़ें। ठीक है, अगला नीचे दिया हुआ है आपको 9/3 दिया हुआ है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो 3 बचेगा आपका माइनस का 3 इंटू 5 दिया हुआ है आपको, तो 3 × 5 आपका 15 हो जाएगा, 3 × 5 आपका 15 हो जाएगा, माइनस का 18 में से 15 गया तो 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका −4 + 12 यानी कि प्लस का 8, तो 8/3 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है 1/5 + 999 = 495 × 99, ये आपको दिया हुआ है, अच्छा खासा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, थोड़ा वैल्यू टफ है इसकी, तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे 1/5। अब इस क्वेश्चन इस फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है आपकी, इतनी सी इस पे ही ध्यान देना है आपको, 99 पे ध्यान मत देना अभी, तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे किस तरह सॉल्व करते हैं, हम इसका इंटू इधर करते हैं, ठीक, और यहाँ से इसको प्लस करते हैं, तो हम इसको इंटू नहीं करेंगे, ओनली लिख लेंगे, यानी कि 999 × 495 + 494 ये हमने लिख लिया, और अपॉन में आपका 495 रहेगा, और आपका इंटू में 99 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसे लिख लिया, ओनली अभी कुछ किया नहीं है, ओनली इसको लिखा हुआ है, और ये जो 99 है ये इसका इंटू आपका इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, हमने ओनली इसे लिख लिया है ताकि आपका थोड़ा सिंपल हो जाए 1/5। अब क्या करेंगे, ये आपका जो 99 है इसका इंटू आपका 999 × 495 में भी होगा, और ये 494 में भी आपका इंटू होगा। ठीक है, तो करते हैं इसे, जब 99 का इंटू इसमें करेंगे आपका, तो आपका मिलेगा 999 × 495 × 99 प्लस 494 में इसका इंटू होगा, तो 494 × 99 डिवाइड में आपका आएगा 495। आगे की स्टेप में 1/5, अब क्या करेंगे, 495 को इसके डिवाइड में अलग लिख लेंगे, इतने के डिवाइड में और इतने के डिवाइड में अलग लिख लेंगे, यानी दोनों जगह आपका प्लस दिया हुआ है तो ये अलग अलग डिवाइड में आ जाएगा दोनों के, तो अलग अलग डिवाइड में लिख लेंगे इसको 999 × 495 × 99 डिवाइडेड बाई 495 प्लस आपको दिया हुआ है 494 × 99 डिवाइडेड बाई 495, दोनों के अपन अलग अलग डिवाइड में लिख लिया। ठीक, यहाँ से आपका 495 से 495 कैंसिल हो जाएगा 1/5 प्लस यहाँ बचेगा 999 × 99, ये 99 है, 99 से आपका 495
फाइव टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपका 494 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, फाइव टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45 5 5 9 45 49, यानी कि 495 आ जाएगा, 5 टाइम्स में 99 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपका 495 डिवाइडेड बाई 5 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, 1/5 प्लस 999 का 99 में जब इंटू करेंगे हम, तो आपको मिल जाएगा 98901, ठीक, ये आपको मिलेगा और आपको दिया हुआ है 494 डिवाइडेड बाई 5, ठीक। आगे स्टेप में हम क्या करेंगे, आपका इन दोनों का एलसीएम भी ले लेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम लेके इसको जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 1/5 प्लस 494 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 9 8 9 0 1, ठीक, यहाँ पे 5 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 494 प्लस 1 यानी कि 495 आपका आ जाएगा, और ये बचेगा आपका 9 8 9 0 1, 5 से इसको जब कैंसिल करेंगे तो आपका मिलेगा 99, यानी कि 99 आपका मिल जाएगा, ये बचेगा 9 8 9 0 9 9 0 1, ठीक। अब 99 को इसमें ऐड करना है आपको, तो ये 9 1 0 10 मिलेगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 0 मिलेगा, और ये आपका आएगा 99,000, ठीक है। 99 को 98,901 में आप जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 99,000, जो कि आपका आंसर रहेगा, ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो हमने थोड़ा सा ट्रिक का यूज़ करके इसको और शॉर्ट कर लिया, क्योंकि मान लो आप 999 का इंटू 495 में करते तो कितना लंबा पड़ जाता आपको, कितना टाइम वेस्ट होता आपका। तो हमने क्या किया, 999 का 494 में आपका इंटू करना है, प्लस 494 आपको जोड़ना है, तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया, 999 इंटू 494 प्लस 495 डिवाइडेड बाई 494, आप 5 आपका दोनों के डिवाइड में रहेगा, इंटू में आपका 99 चल रहा है, ठीक। इस 99 का हमने दोनों जगह इंटू कर दिया, यानी कि 999 इंटू 495 में भी आपका 99 का इंटू हो जाएगा, और 494 में भी आपका 999 का इंटू हो जाएगा, तो इंटू करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी आपकी दोनों की, आप फोन में 495 आपको दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में आपका 494 दोनों के लिए अलग अलग अपॉन में कर लेंगे, यानी कि इसके लिए आपका 495 अलग रहेगा, इसके लिए 495 अलग कर दिया, यहाँ पे 495 से 495 कैंसिल, यहाँ पे 99 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/5 प्लस आपका 999 इंटू 99 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 494 डिवाइडेड बाई 5। अब अगले स्टेप में 1/5 प्लस 999 इंटू 99 का इंटू करेंगे तो 98901 हो जाएगा, प्लस 494 डिवाइडेड बाई 5 आपको दिया हुआ है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये अपॉन में 5 वाली जो टर्म्स है आपकी, इसको पास में लिख लिया हमने और इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो आपका 494 प्लस 1 यानी कि 495 हो जाएगा और अपॉन में 5 रहेगा, 5 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 99 मिलेगा, और ये आपका 98901 में जब ऐड करोगे आप तो 99,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा माइंड का ज़रूरत था इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं इसे। 9 यहाँ से आप जब इसे माइनस करोगे तो आपका माइनस का 2 आएगा, प्लस 3 में से आपका माइनस का 5 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है, और ये माइनस का 5 इंटू ये 4 आपका प्लस का है, तो प्लस का प्लस ही बाहर जाएगा। मैंने बताया था आपको कि जब ये अगर माइनस में बाहर रहता तो भी प्लस में आता, प्लस में बाहर रहता तो भी प्लस में ही बाहर आता है आपका, यानी कि प्लस में ही रहती है ये वैल्यू जब बाहर आती है। तो डिवाइडेड बाई 10 दिया हुआ है आपको, अगली स्टेप करते हैं, नीचे दिया हुआ आपको अपॉन में माइनस 3 इंटू 5 यानी कि आपका माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 4 टू जा 8 हो जाएगा आपका डिवाइड, नहीं ये पहले इंटू होगा, माइनस 2 वैसा का वैसा पहले आपका डिवाइड होगा, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ है तो ये 4 बाई 2 यानी कि आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे भी देखेंगे आप, जल्दबाजी में ऐसा मत करना जैसा मैंने किया है। अब आपका क्या होगा, यहाँ पे 9 इंटू ये माइनस का 2 जब बाहर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर आ रहा है आपका ये बाहर से। अगली स्टेप में आपका 4 इंटू 5 यानी कि 20 हो जाएगा, नहीं ये भी आप गलत कर रहे हो, माइनस 5 यहाँ पे आपका रहेगा 4 बाई 10 इंटू 4 बाई 10 आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है, डिवाइड में दिया हुआ है तो 4 बाई 10 रहेगा आपका। अगली स्टेप में होगा आपका माइनस 15, ये 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पे। अगले स्टेप करते हैं, ये आपका 9 टू ज़ा 18 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस आपको 5 टू ज़ा 20 हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 18 माइनस 2 हो जाएगा, नीचे रहेगा आपको माइनस 15 माइनस 4 यानी कि माइनस 19, तो ये 18 माइनस 2 यानी कि 16 बट्टे माइनस 19 रहेगा आपका आंसर, ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये दिया हुआ था, यहाँ पे जो ये बार होती है इसको हटाएंगे हम पहले, तो इसको माइनस करेंगे, 3 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा,
और ये माइनस पाँच इंटू चार हो जाएगा डिवाइडेड बाई टेन आपको दिया हुआ है, ये थ्री फाइव जो फिफ्टीन हो जाएगा, फोर टू जा माइनस, यहाँ पे आपको पहले माइनस टू वैसा का वैसा रहेगा, फोर डिवाइडेड बाई टू दिया होगा तो इसको जब सोलव करेंगे तो आपका टू मिलेगा। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, ये माइनस का टू बाहर आएगा तो प्लस का टू हो जाएगा, माइनस फोर फाइव आपको ऐसा कैसा लिखना है, ये फोर बाई टेन है तो फोर बाई टेन इस तरह से हमने लिख लिया इसको, ये माइनस फिफ्टीन और ये माइनस का फोर हो जाएगा, टू टू जा फोर, ठीक। उसके बाद क्या किया हमने, नाइन टू जा एट्टीन हो जाएगा, ये फाइव फोर जा ट्वेंटी हो जाएगा और ट्वेंटी बाई टेन यानी कि टू हो जाएगा, माइनस का टू माइनस लगा हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद माइनस फिफ्टीन और माइनस फोर आप जब एड करोगे तो माइनस का नाइनटीन आ जाएगा और ये अठारह में से दो हो जाएगा तो सोलह, यानी कि सोलह बटे उन्नीस आपका आंसर हो जाएगा और माइनस में रहेगा ये। और माइनस में रहेगा ये, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है 2 बाई थ्री और ये आपको पूरा दिया हुआ है तो 2 बाई थ्री इंटू थ्री बाई, पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, इसमें सबसे पहले हमको करना है ऑफ यानी कि का को हमने सॉल्व करना है सबसे पहले, तो 5 बाई सिक्स वैसा का वैसा डिवाइडेड बाई आपका जो फ्रैक्शन है इसको सिंपल कर लेंगे तो 4 वन जा 4, 4 वन जा 4 और 1 5 बाई 4 हो जाएगा आपका, ऑफ को हटाएंगे तो इंटू आ जाएगा, ये 2 बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो ये आपका 3 बाई 5 बाई 6 रहेगा, डिवाइड में आपका दिया हुआ है 5 बाई 4 इंटू 2 बाई 3, इसको जब हम करेंगे तो ये 2 से 2 टाइम्स में चला जाएगा यानी कि आपका बचेगा 5 डिवाइडेड बाई 6, 5 बाई 6 बच जाएगा यहाँ से, 5 ऊपर बचेगा नीचे 3 टू जा 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका बचेगा। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 बाई 3 आपको दिया हुआ है इंटू दिया हुआ है 3 बाई, यहाँ से क्या होगा आपका 5 बाई 6 को जब उल्टा करेंगे इंटू में तो 6 बाई 5 हो जाएगा, तो आपका 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि आपका यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। और ये आपका 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ बचेगा ओनली 2, यानी कि 2 इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन किया हमने, सबसे पहले इसको हमने सॉल्व किया नीचे वाले को, इसको इसमें आपको सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना, तो ऑफ को जब हम या जो मिक्स फ्रैक्शन थी इसको सॉल्व किया तो आपका हो जाएगा 5 बाई 4, ये ऑफ को टाइम तो इंटू आएगा और 2 बाई 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। 2 से आपका 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ आपका बचेगा 5 बाई 6, 3 टू जा 6 हो जाएगा 5 बाई 6, 5 बाई 6 को 5 बाई 6 के डिवाइड करेंगे तो आपका 1 मिलेगा, यानी कि 3 बाई 1 हो जाएगा ये, और 2 बाई 3 दिया हुआ है आपको, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको, 64 की पावर 2 बाई 3 इंटू 2 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 0 और पूरा होल ब्रैकेट दिया आपको 1 बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है और 8 का स्क्वायर होता है, पर हमें यहाँ ज़रूरत कौन सी है, ये 4 का क्यूब भी होता है और 8 का स्क्वायर भी होता है, पर हमें यहाँ ज़रूरत किसकी है आपको ये पहचानना है पहले, यहाँ पे हमें क्यूब की ज़रूरत है या फिर स्क्वायर की ज़रूरत है। तो आप देखोगे कि आपको क्यूब की ज़रूरत है क्योंकि क्यूब से क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा, इसकी पावर 2 बाई 3 आपको दी हुई है इंटू 2 की पावर माइनस 2 यानी कि ये 1 बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब माइनस की पावर हमें हटानी होती है तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि a की पावर अगर माइनस 1 है इसको हमें हटाना तो 1 बाई a हम लिखते हैं, और अगर a की पावर माइनस 2 दी हुई है तो ये पावर 2 आपकी साथ में आती है, a स्क्वायर रहता है आपका, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ भी हमने 2 की पावर माइनस 2 थी तो इसको प्लस में लाने के लिए 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 2 लिख दिया, डिवाइड दिया हुआ है आपको 8 की पावर 0 होता है आपका 1, किसी की भी पावर आप 0 करोगे तो उसका आंसर आपका हमेशा 1 रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चाहे आप कितनी ही बड़ी वैल्यू हो या फिर कितनी ही छोटी वैल्यू हो, उसकी पावर अगर आपको 0 दी हुई है तो आपका आंसर हमेशा 1 रहेगा, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद आगे इसका पावर आपको दिया हो 1 बाई 2, ठीक। अब आगे सॉल्व करते हैं इससे, तो आपका 4 की पावर 3 है और ये 2 बाई 3 दिया हो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, इंटू होगा तो यहाँ आपका 4 का स्क्वायर बचेगा इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 को कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि इसे डिवाइड करेंगे तो वही वाली वैल्यू आएगी आपकी, ठीक। तो 1 को हम हटा देंगे, यहाँ 1 बाई 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है, यहाँ 1 बाई 4 दिया हुआ है, तो आपकी 1 बाई 4 की वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे आपका 4 इंटू 4 है अपॉन में 4 दिया हुआ है और इसका होल पावर 1 बाई 2 दी हुई है, 4 से 4 कैंसिल, 4 की पावर 1 बाई 2 यानी कि ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर रहेगा 4 तो आपका 2 आंसर हो जाएगा, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लो, आपका 64 था,
ये आपको दिया हुआ था, तो ये आपका 4 का क्यूब भी होता है और 8 का स्क्वायर भी होता है। तो आपको ज़रूरत कौन सी है आपको पहचानना है, तो आपको यहाँ पे 4 के क्यूब की ज़रूरत है। तो 4 का क्यूब लिख लिया हमने, यहाँ पे 2/3 इसका होल पावर है, और 2 की पावर -2 को हमने माइनस की पावर हटाने के लिए इसको 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। जब हम इसको माइनस की पावर को हटाना होता है तो 1 के अपॉन में हम ले जाते हैं, तो पावर माइनस की प्लस में हो जाती है। और 8 की पावर 0 आपका 1 होता है। किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। तो और इसकी होल पावर आपको 1/2 दी हुई है। आगे सॉल्व करते हैं इसे, 4 की पावर 3 से 3 कैसे कट जाएगा, आपका 4 की पावर 2 बचेगी यहाँ से, यहाँ पे 1/2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा ये, और ये 1 आपका हट जाएगा क्योंकि आप डिवाइड में 1 रहेगा, तो 1 से जिस भी वैल्यू में आप डिवाइड करोगे या इंटू करोगे तो आपका वही वैल्यू रहेगी और इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक है। 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आपको दिया हुआ है, यानी कि 4 × 4 / 4 दिया हुआ है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 4 की पावर 1/2 बच जाएगी। 4 की पावर 1/2 यानी कि आपका 2 आ जाएगा। 4 की पावर 1/2 को आप अंडर रूट भी लिख सकते हो, तो ये 2 आएगा आपका, दोनों तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका इसका आंसर रहेगा 2, ठीक। तो गाइज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने आज का वीडियो देखा तो आपको लगा ही होगा थोड़ा सा लेवल कल के जो क्वेश्चन थे उनसे थोड़ा सा हाई लेवल था आज का, ठीक है। तो हम इसी तरह से धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को उठाएंगे और अच्छे से लेवल को कंप्लीट करेंगे। तो आपकी सभी एग्ज़ाम्स यहाँ से कवर हो जाएगी, तो आपको आने वाली जो फ्यूचर में आपकी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और देखते रहिए इस वीडियो को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच गाइज़।